हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मशरूम उत्पादन यानी मशरूम कल्टीवेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसका कल्टीवेशन किया जाता है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन क्या होगा मशरूम कल्चर का, तो जो एगेरिकस या फिर सेल्यूटा होता है, एक मृत जीवी कवक है जो जंगलों में गली सड़ी गली पत्तियों, लकड़ियों, कूड़े के ढेर या गोबर या फिर लीद पर लगता है। ठीक है, एगेरिकस जो होता है, वर्षा में कुछ दिनों बाद ऐसे स्थानों पर इस कवक के फलन पिंड देखे जा सकते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे फलन पिंड होते हैं इसके। ठीक है, इनको ही क्या बोला जाता है, इनको ही मशरूम बोला जाता है। सामान्यतः यह कवक मशरूम अथवा छतरक यानी मशरूम कहलाता है। ठीक है, इनको मशरूम बोलते हैं सामान्य, जनरली इनको मशरूम बोला जाता है। हमारे देश में विभिन्न भागों में मशरूम कुकुरमुता, खुम या फिर डिंगरी के नाम से जाना जाता है। ये इसके क्या है, अदर नेम्स हैं मशरूम के। भारतवर्ष में इसकी लगभग 17 जातियां पाई जाती है। ठीक है, 17 स्पीसीज जो है ये मशरूम्स की पाई जाती है इंडिया के अंदर। एगेरिकस कैम्पेस्टिस, इसको फील्ड मशरूम भी बोला जाता है। एगेरिकस बाइस्पोरस एंड इसके अलावा एगेरिकस रोडमैनी, फ्लैविसेप्स, राइमोसस एंड मैक्रोफेलस एंड इसके अलावा है यहाँ पे एगेरिकस लेटोपस। ये सभी जो स्पीसीज है, ठीक है, जो बाइस्पोरस है या फिर रोडमैनी है या फिर फ्लैविसेप्स है, राइमोसस है, मैक्रोफेलस फैलस है या फिर लेटोपस है, ये सारी स्पीसीज क्या है, ये सारी स्पीसीज एगेरिकस की होती है और ये इंडिया के अंदर विभिन्न भागों के अंदर पाई जाती है। तो अगर जनरल इंट्रोडक्शन में कि देखें हम कि जो बेसिकली एगेरिकस है वो क्या होती है, उसको ही मशरूम बोला जाता है। और जब वर्षा के दिन होते हैं, रेनी डेज होते हैं, उस टाइम पे ये जो है ऐसे टाइप के ये फलन पिंड या फिर ऐसे छतरी जैसे स्ट्रक्चर बना लेती है और उनको मशरूम बोला जाता है। इनकी लगभग 17 जातियाँ जो है इंडिया के अंदर पाई जाती हैं और एगेरिकस की डिफरेंट डिफरेंट जातियाँ जो है वो विभिन्न भागों में पाई जाती है। इसमें से जो एगेरिकस बाइस्पोरस है एक सामान्य खाद्य कवक है। कैसी है, एक एडिबल फंगस होती है, एडिबल फंगस हो गई एगेरिकस बाइस्पोरस। इसकी जो खेती है वो अनेक क्षेत्रों में की जाती है। हिमाचल प्रदेश में सोलन स्थित मशरूम अनुसंधान संस्थान व प्रयोगशाला, मशरूम रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड लेबोरेटरी खाद्य मशरूम उगाने के लिए तकनीकों का प्रसार कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, इसके नए नए मेथड जो है इसको उगाने के लिए, इसकी प्रोडक्शन के लिए वो इन्वेंट किए जाते हैं या फिर खोजे जाते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार संस्थान अन्य राज्यों में भी है। मशरूम उत्पादन के अंदर अब क्या होगा, मशरूम एक उत्पाद है। ठीक है, उत्पाद यानी कि एक प्रोडक्ट है जो इसकी खेती की जाती है एगेरिकस की, उससे मशरूम मिलता है जिसे एक कमरे में भी उगाया जा सकता है। इसको उगाकर किसान अपनी आय दुगनी ही नहीं बल्कि चारगुनी भी कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्ष में भारतीय बाजार में मशरूम की मांग तेजी से बढ़ रही है। जिस हिसाब से बाजार में इसकी मांग बढ़ती है उसी हिसाब से इसका उत्पादन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में किसान मशरूम की खेती को अच्छा मुनाफा ऐसे में, ठीक है, क्योंकि इसका उत्पादन उतना नहीं है तो किसान क्या कर सकते हैं, मशरूम की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पिछले कई वर्षों में मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दे रहे कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी व मशरूम विशेषज्ञ, ठीक है, ये एक यहाँ पे एक केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी हैं, मशरूम विशेषज्ञ हैं। इन्होंने बताया कि तीन तरह के मशरूम का उत्पादन होता है। ठीक है, तीन तरह की मशरूम का उत्पादन किया जाता है। सितंबर के जो महीना होता है उसमें 15 नवंबर, ठीक है, सितंबर से स्टार्ट होगा और 15 नवंबर तक डिंगरी मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। इसके बाद आप बटन मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। फरवरी मार्च तक ये फसलें चलती हैं। इसके बाद मिल्की मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं जो जून जुलाई तक चलता है। तो ये इनके अलग अलग टाइम होते हैं जिस टाइम पे इनको क्या कर सकते हैं, इनको उगा सकते हैं। अब ये जो हमने बात की थी, जो तीन टाइप की मशरूम होती है वो कौन कौन सी होती है,
तीन टाइप की मशरूम में यहाँ पे ऑयस्टर मशरूम जानकारी देते डॉक्टर आई के कुशवाहा। इन्होंने बताया कि तीन तरह के मशरूम की खेती कर सकते हैं। एक होती है बटन मशरूम, सेकंड होते हैं यहाँ पे ऑयस्टर मशरूम, एंड थर्ड यहाँ पे होती है यहाँ पे दुधिया मशरूम या फिर मिल्की ऑयस्टर मशरूम। तो ये तीन टाइप की मशरूम जो है ये उगाई जा सकती है। मशरूम उगाने की पूरी जानकारी में डॉक्टर आई के कुशवाहा बताते हैं कि ओइस्टर मशरूम की खेती सबसे आसान और सस्ती होती है। ठीक है, ओइस्टर मशरूम की खेती सबसे आसान और सस्ती होती है। इसमें दूसरे मशरूम की तुलना में औषधीय गुण भी अधिक होते हैं। ठीक है, ये जो है ये ओइस्टर मशरूम, इसके अंदर औषधीय मेडिसिनल वैल्यू भी ज़्यादा होती है इसकी। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई जैसे महानगरों में इसकी बड़ी ही डिमांड होती है। इसलिए जो पिछले विगत 3 वर्षों में इसके उत्पादन में 10 गुना तक वृद्धि हुई है। तमिलनाडु एंड उड़ीसा में भी यह गांव गांव में तो यह गांव गांव में बिकता है, यानी कि वहाँ बहुत ज़्यादा है। और कर्नाटक राज्य में भी इसकी खपत काफ़ी होती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों में भी ऑयस्टर मशरूम की खेती की कृषि जो है मशरूम की कृषि लोकप्रिय हो रही है। मशरूम उत्पादन का हब बन रहा यूपी में कई प्रदेशों से प्रशिक्षण लेने आते हैं किसान। ठीक है, यूपी में क्या है, सबसे ज्यादा वहां पे प्रशिक्षण केंद्र है या फिर सबसे ज्यादा वो एक हब है वहां पे मशरूम उत्पादन का। तो वहां क्या है, बहुत सारे किसान क्या करते हैं, प्रशिक्षण लेने आते हैं, सीखने आते हैं कैसे इसकी कल्चरिंग की जाती है। ऑस्टर की खेती के बारे में कहते हैं कि स्पॉन यानी बीज, ठीक है, जिनसे उगाई जाती है, के जरिए मशरूम की खेती की जाती है। ठीक है, इनके जरिए मशरूम की खेती की जाती है। अब इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए 7 दिन पहले ही मशरूम यानी इसको स्पॉन बोलते हैं बीज, ये नहीं कि 1 महीने मशरूम को स्पॉन लेकर इसे रख दीजिए तो बीज खराब हो जाएगा। तो जो सही टाइम होता है खेती का, उसके 7 दिन पहले ही हमें रखना होता है मशरूम को खेती के लिए, तो उस टाइम तक ये बीज खराब नहीं होते हैं। इसके उत्पादन के लिए भूसा, पॉली बैग, कार्बेडिज्म एंड फॉर्मेलिन स्पॉन यानी बीज, इनकी जरूरत होगी। बीज किसके होंगे, एगेरिकस के बीज होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इन चीजों की, इसका जो उत्पादन होगा, इसकी जो खेती होगी, उसके लिए भूसा, पोली बैग की जरूरत होती है, एंड इसके अलावा कार्बेडिज्म की जरूरत होती है, फॉर्मेलिन की जरूरत होती है, एंड बीज की जरूरत होती है। 10 किलो भूसे में 1 किलो स्पॉन की जरूरत होती है, और इसके लिए पोली बैग एंड इसके अलावा जो कार्बेडाजिम है, फॉर्मेलिन है, इसकी जरूरत होती है। ठीक है, 10 किलो भूसा है, उसके अंदर 1 किलो स्पॉन की, 1 किलो जो इसके बीज होंगे उनकी जरूरत होगी। 10 किलो भूसे के लिए 100 लीटर पानी इसमें, इसको इस भूसे को भिगोया जाता है। ठीक है, जो 10 किलो भूसा है उसको 100 लीटर पानी में भिगोया जाता है, एंड ये जो है पानी की अच्छी खासी, ये एक तरह से बोल सकते हैं अच्छा खासा यूज करता है। इसके लिए 150 मिली जो है फॉर्मेलिन एंड 7 ग्राम कार्बेडाजिन को पानी में घोलकर 10 किलो भूसे भूसा डुबोकर इसका शोधन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो है भूसा लेना है, भूसा लेने के बाद यहाँ पे इसको 100 लीटर पानी में भिगोना है। भिगोने के बाद इसके अंदर फॉर्मेलिन एंड कार्बाडिजिन डालनी है, तो इसको इसको भिगो देते हैं। इसके बाद भिगोने के बाद लगभग 12 घंटे, यानी अगर सुबह फैलाते हैं तो शाम तक, और शाम को फैलाते हैं तो सुबह तक इसको निकाल लेना है। इसके बाद भूसे को किसी जालीदार बैग में भरकर या फिर चारपाई पर फैला देते हैं, जिससे अतिरिक्त पानी निकल जाता है। इसके बाद 1 किलो सूखे भूसे को बैग में भरा जाता है, और ये बैग में 3 लेयर लगानी होती है। ठीक है, इसकी 3 लेयर लगानी होगी। 1 लेयर लगाने के बाद उसमें स्पॉन के किनारे किनारे रखकर उस पर फिर भूसा रखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले किनारे किनारे पे रखा जाता है बीजों को, और इस तरह से 3 जो है इसकी लेयर लगानी होती है। ठीक है, 3 लेयर इसकी लगानी होगी उस बैग के अंदर। ठीक है, सबसे पहले भूसा लिया, उसको पानी में डाला, भिगोया, और पानी में फिर फॉर्मेलिन एंड कार्बेडाजिन डाल दी, और फिर इसको 12 घंटे के बाद इसको निकाल लिया। निकालने के बाद इसको किसी ऐसे जालीदार बैग या फिर चारपाई पर फैला दे दिया जाता है, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है।
और इसके बाद 1 किलो भूसे को एक बैग में भरा जाता है, और उस बैग के अंदर 3 लेयर होती है, ठीक है। उस बैग के अंदर क्या होगा, जैसे ये बैग बनाया जाएगा, उस बैग के अंदर 3 लेयर होंगे, ठीक है। उस बैग के अंदर क्या होगी, 3 लेयर होगी, एंड 3 लेयर में लगाने के बाद इन जो स्पोन होंगे उनको ऐसे किनारे किनारे पर लगाया जाता है, और फिर भूसा रखा जाता है ऐसे ही इस पे भी लगाया जाता है। 15 दिनों में से इनमें से ऑयस्टर की सफेद सफेद खूंटियां निकलने लगती है, जैसे कि ये छोटी छोटी यहाँ पे ऐसे निकलने लगती है, मशरूम के बैग के चारों तरफ निकलने लगती है। इस मशरूम की सबसे अच्छी बात यह है कि किसान सुखाकर भी बेच सकते हैं। इसका स्वाद तीनों मशरूम में सबसे बेहतर होता है, और बटन मशरूम की खेती निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में इसको अधिक उगाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, कम तापमान की जरूरत होती है, तो निम्न तापमान वाले जो क्षेत्र है उनके अंदर इसको ज्यादा उगाया जाता है। तो यहां तक हमने मशरूम कल्टीवेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है कि कहाँ कहाँ इसको किस किस जो है इसको मीडियम के अंदर या फिर किस मेथड से इसको उगाया जाता है, एंड कौन से टाइप की, 3 टाइप की यहाँ पे अलग अलग टाइप की मशरूम होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।